देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका। मैं आपके साथ कावेंद्र चौहान हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा आपका। मुद्दा आपका का मतलब है कि आपका मुद्दा, उसी मुद्दे पर होगी चर्चा और उसी मुद्दे पर आज का पूरा एक घंटे का समय किया जाएगा खर्चा। तो आज का मुद्दा यह है कि बीते साल जहां किसान सरकार के पीछे थे, सरकार आगे आगे, किसान पीछे पीछे, एक वक्त ऐसा आया कि सरकार थमी, सरकार ने किसानों की सुनी, कृषि कानूनों को वापस लिया, बाकी अन्य मांगों पर कमेटी गठित कर जल्द फैसला लेने का वादा किया। यहां सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जैसे ही किसान पीछे मुड़कर वापस जाने लगे, वैसे ही सरकार के एक राज्य मंत्री, जिन पर आरोप है कि उनके बेटे ने, उनके पुत्र ने अपनी थार गाड़ी से किसानों को पीछे से, जब वो आगे जा रहे थे, उनको पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई। चार बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, उनकी भी मौत हुई, एक पत्रकार की भी मौत हुई। इसके बाद से लखीमपुर खीरी कांड के नाम से ये जो पूरा घटनाक्रम जाना जाने लगा, बताया गया कि लखीमपुर खीरी ही अब उत्तर प्रदेश में सियासी राजधानी बनने जा रही है और चुनावों पर यह बड़ा असर डालेगी। विपक्ष ने अपने हिसाब से इसको लपका और इसको गपका, लेकिन उसी वक्त राकेश टिकैत वहां पहुंचे और वहां पर राकेश टिकैत ने जांच की बात कहते हुए मामले को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की। सब कुछ ठीक था, इसके बाद लगातार विपक्ष मांग करता रहा कि ये जो राज्य मंत्री हैं, इनको निष्कासित किया जाए, इन पर जांच बिठाई जाए, इनको सरकार से बाहर किया जाए। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन उनके जो पुत्र थे उनकी संलिप्तता पाई गई जांच में, जिसके बाद वो अरेस्ट हुए, 129 दिन लगभग वो जेल में रहे और आज वो रिहा हो गए। 10 फरवरी को उन्हें जमानत मिली थी लखनऊ हाई कोर्ट से और आज की तारीख में वो रिहा हो गए हैं लखीमपुर खीरी जेल से। इस मुद्दे को आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पूरी जो साफ साफ प्योर सफेद दूध जो रखा हुआ था बीजेपी का, उसमें नींबू डालने का काम किया है आज रिहा होकर आशीष मिश्रा ने, जो कि अजय मिश्रा टेनी साहब के बेटे हैं। अब एक बार ये फिर मुद्दा चर्चा में आ गया है, फिर खबर में आ गया है। कल सुबह जब आप अखबार खोलेंगे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, फलाने फलाने, जो भी अखबार खोलेंगे, उसमें फ्रंट लाइन में बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ, फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा, उसके साथ लिखा होगा कि आरोपी आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी जेल से रिहा। और यह खबर सुनकर किसी का खून खौले ना खौले, किसानों का खून खौलेगा ही खौलेगा। और एक बार फिर यह मुद्दा बड़े मुद्दे की शक्ल लेगा और चुनाव, जो कि अभी सिर्फ 2 चरण हुए हैं, बाकी के अन्य चरण भी बाकी हैं, पूरे 5 चरण अभी बाकी हैं, तो क्या यह चुनावों में प्रभाव डालने जा रहा है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिससे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखवाएंगे, जिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकेंगे कि यह कौन सा मैटर था। तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की आज रिहाई हो गई है। रिहाई के बाद एक बार फिर बवाल है, तो इस बवाल को लेकर आज एक बार फिर चर्चा होगी और चर्चा करेंगे कि क्या ये मुद्दों को अब आगे जो 5 चरण के चुनाव बाकी हैं उस पर प्रभाव डालने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे, एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, आपका मेहमानों से तारुफ कराता हूं, सीधे परिचय कराता हूं मेहमानों से और सीधे मेहमानों की ओर आपको लिए चलता हूं। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख साहब हैं जो कि बीजेपी से हैं, अक्षांश पंडित जी हैं जो हमारे साथ किसान नेता हैं,
और स्वामीनाथ जायसवाल साहब हैं कांग्रेस से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी हमारे साथ संजीव चौधरी साहब भी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी से होंगे। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख साहब, आपने अभी तक, आप बैकफुट पर थे इस मुद्दे को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर, किस तरीके से आपके राज्य मंत्री लगातार उन पर आरोप लग रहे थे, लगातार कहा जा रहा था कि आप इस मैटर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, जब तक वो राज्य मंत्री के पद पर रहेंगे इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है। आपने मंत्री जी को निष्कासित नहीं किया, लेकिन आज जब आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आगे के चरण आपके चुनाव के बचे हैं उसमें एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा सकता है और आपको नुकसान हो सकता है? चौहान साहब, बड़ा गहन डिबेट से आपने कहा, इसके लिए भी थैंक्स, धन्यवाद, क्योंकि लोग इस पर चर्चा करते हैं, इस पर चर्चा पर क्लियर होना बहुत जरूरी है मामला। मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि जिस तरह से आपने किसानों के नाम पे देखा है वो लंबा ये सिस्टम चला है, बहुत काफी कई घटना उस पर निकल कर आई, आरोप प्रत्यारोप उस पर होते रहे, वो सरकार अपना काम करती रही, सरकार ने हमेशा पारदर्शी तरक्की, और जब से देश आजाद हुआ है सबसे पहले इतना बड़ा जो है किसान आंदोलन इतनी शांति से निपटने का सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया, क्योंकि पहली सरकारों का आप देखने रिकॉर्ड उठा के इसे कुचलने की कोशिश की गई थी, कुचलने की कोशिश नहीं की गई थी, इसको पूरा मौका दिया था। ये सारी चीज है, ये संविधान के अनुसार है, कानून के अनुसार है, अगर मंत्री जी के बेटे सरकार ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया, कानून ने अपना काम किया, आज अदालत कानून अपना काम कर रही है, सरकार में कोई एक्सेप्ट नहीं है। रही नफा नुकसान की बात, तो ये लोकतंत्र है, नफा नुकसान चलते रहते हैं, ये सरकार 2014 से अब तक लेकर जो काम कर रही है वो नफा नुकसान को देखकर नहीं कर रही, जाति और धर्म को देखकर नहीं कर रही, संविधान के अनुसार कर रही है और शानदार तरीके से कर रही है, लोकतंत्र को बात करने का काम कर रही है। सरकार पर इस चीज का कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा बात की बात है, लेकिन लोकतंत्र सेफ रहे ये बड़ी बात है। जहाँ किसानों की बात थी हमने उस पर हमेशा बात की थी और हमेशा करेंगे। ये बिल पर हम फिर कहते हैं, ये बिल शानदार था, जिस तरीके से हुए किसान भाइयों को बरगला गए, नफा रहा नुकसान रहा, बड़ी लंबी डिबेट का चर्चा है, मैंने बहुत डिबेट की है इस पर, मैंने नाम राकेश टिकैत के साथ स्वयं बहुत डिबेटों में मैं यहाँ शामिल रहा हूँ। किसान जो मुद्दा है, 3 अक्टूबर 2021 को जो घटना हुई उसको महज आप एक घटना के तौर पर ले रहे हैं, उसको नफा नुकसान इन चीजों से नहीं आंक रहे हैं? नहीं, नफा नुकसान बिल्कुल नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से ले रहे हैं, संविधान के अनुसार ले रहे हैं। बस इसलिए आपने आपने जो आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनके बेटे जो हैं अजय मिश्रा टेनी साहब, उनको आपने अभी तक मंत्री पद से मुक्त नहीं किया? नहीं, क्यों कर देते? हमारा हमारे जो काम, देखिए कौन साहब, हमारा जो काम था, उनके बेटे का नाम आया, कानून ने अपना काम किया, कानून अपने काम, उसके अरेस्टिंग की बात, गृह मंत्री का बेटा जेल जाता है, अरे पहली सरकारों में आपने देखा था ये ना, मंत्री छोड़िए इनके जिले के अध्यक्ष जो है क्या क्या हाल होते थे और एसपी और कप्तान का क्या हाल करते थे। हमने सरकार ने कहीं भी कोई ऐसे यूज नहीं किया अपनी ताकत का कि जो लोकतंत्र के खिलाफ, लेकिन लोगों के काम है कहना, ठीक है लोकतंत्र में अपनी बात रखनी है और हम जनता जनार्दन के बीच में है, जनता जो डिसीजन करेगी उसको हम मानेंगे, स्वीकार करेंगे, जब रिहाई की तस्वीरें देख रहे हैं, कल सुबह अखबार खोलेंगे तो फ्रंट में जब देखेंगे फ्रंट पेज पर कि रिहा हो गया, आरोपी रिहा हो गया, तो एक बार फिर यह मुद्दा जन्म लेगा और किसानों को इसे देख कर वो आग बबूला तो होंगे ही होंगे। देखिए, मैं आपने की बात पे आपको क्लियर करता हूँ कि किसान बहुत समझदार है, किसान को पता है कि कौन क्या कर रहा है उनके साथ, और आग बबूले की आप बात करते हैं, ठीक है। एक चीज बताइए मुझे, आपने अभी कहा कि किसान बहुत समझदार है और अभी आप कह रहे हैं कि किसान को बरगला दिया गया इसलिए वो कृषि बिल के कानून के अगेंस्ट थे, तो अगर समझदार है और बरगला दिए गए, ये दोनों चीजें आप एक साथ कैसे कह सकते हैं? आज डिबेट्स जो है जिस मुद्दे पर हो रही है, इसकी बजाय अगर कोई और मुद्दा होता पर हम लोग चर्चा करते तो अच्छा रहता, लेकिन आज जो डिबेट हो रही है जिसे घुमाने का प्रयास किया जा रहा बार बार, बरगलाने का ही काम है ये, ठीक है, तो ना करें, शांत हो जाए, नहीं करिए, आपका अधिकार है। मैं कब कहता हूँ लोकतंत्र अपनी बात रखिए, लेकिन जनता का डिसीजन मत लीजिए,
जनता जो करेगी उसका इंतजार कीजिए, जनता जो कर रही है वो शानदार काम कर रही है, आने वाले समय बताएगा, आने वाली 10 मार्च बताएगी जनता क्या कर रही है। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल भी हमारे साथ है। स्वामीनाथ जी, इनका कहना है कि ये महज एक घटना है, कानून अपना काम कर रहा है, उनकी रिहाई हुई, बेल हुई, जो भी हुआ है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपकी जो मांग थी शुरुआत से कि ये जो राज्य मंत्री जी हैं इनको सबसे पहले तो निष्कासित किया जाए, वो इन्होंने सुनी नहीं आपकी। लेकिन आज जब ये रिहाई की तस्वीरें, मेरा ये कहना है कि किसान देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानियों को बढ़ाती हैं ये तस्वीरें, आप क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, वो 3 अक्टूबर का काला दिन वो किसान और किसान का बेटा कैसे भूलेगा। जिस तरह से SIT रिपोर्ट में भी बताया गया कि जानबूझ के साजिश कर वो गाड़ी चढ़ाया गया, वो रिपोर्ट सौंपा गया SIT का, और अजय मिश्रा टेनी प्रभावशाली मंत्री, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के पद पर बैठे हुए, जिस तरह से उन्होंने पहले कहा था कि इसमें हमारे बेटा का कोई हाथ नहीं है, और अगर हाथ, अगर नाम तक आ जाएगा कहीं भी लिप्त रहेगा मेरा बेटा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उनके जुबान और भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में आप अंतर देखे होंगे। और पहले भी घटना कई बार कांग्रेस के समय में घटा जाए, 26/11 का व्यास राव देशमुख उस समय चीफ मिनिस्टर थे, राम गोपाल वर्मा के उनके बेटा के साथ चला गया घटना स्थल पर, तो तुरंत उनको पद से हटा दिया गया, मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया कि एक फिल्म का वो आ गया साथ में और उसका लड़का फिल्मी है तो ये क्यों आया, उस पे मुद्दा उठाया, 1 घंटा नहीं लगा कांग्रेस दूसरे दिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। यहाँ गृह मंत्री का लड़का को SIT रिपोर्ट में भी आता है कि वो जानबूझ के साजिशन तहत गाड़ी चढ़ाई गई और 4 किसानों को कुचल दिया गया, जिसमें एक पत्रकार को भी मारा गया, और उसके बाद पूरा देश देखा, सारे किसान इसके लिए, और हम लोग बढ़ चढ़कर हमेशा मांग किए कि इस पद पर रहकर अपने गरिमा का दुरुपयोग कर जिस तरह से अपने बच्चे को बचाने के लिए साजिश की जाएगी, अगर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष ढंग से उनको पद से हटा देता तो आज ये हाल नहीं होती है। किसानों का मौत के बाद, उनपे गाड़ी चढ़ाने के बाद, SIT रिपोर्ट सौंपने के बाद भी वो रिहा हो जाता है। आम आदमी अगर छोटे सा केस में फंस जाता है तो उसको कितना घुटना रगड़ना पड़ता है, कई साल जेल में सड़ना पड़ता है, और अगर ये पद की गरिमा को बचाते हुए अगर पद की इस्तीफा देकर अपने बच्चे के लिए वो लड़ते तो लगता कि नहीं, ये देश का और राष्ट्र के हित की रक्षा करने के लिए इन्होंने सहयोग किया है। लेकिन वो तो गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर बैठकर भारत सरकार के, तो कोई भी समझ सकता, आम आदमी, आम जन समझ सकता है कि उस पद पर बैठकर न्याय का कैसे उम्मीद किया जा सकता है, जिस जो पहले गृह मंत्री बोल चुके थे कि अगर हमारे बच्चे पर अगर उंगली उठा तो मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन ये हुआ नहीं। यह देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि एक गाड़ी चढ़ाने वाले को कैसे रिहा कराया गया। लेकिन इसके बाद जब पूरा घटनाक्रम खुला था तो इसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो बदसुलूकी भी की गई थी स्वामीनाथ जी। हाँ, पत्रकार के साथ देखे, एक बार ABP न्यूज का पत्रकार पूछ रहे थे कि इस पर चर्चा किए, तो तुम तड़ाक पर एक सभ्य और बड़े नेता होकर गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे बोलते हैं कि तुम कैसे बोल दिया उसके, यानी कि दूसरे राउंड में आते हैं, ठीक है, इस तरह का तो रवैया इन लोग का। ठीक है, दूसरे राउंड में आते हैं। अक्षास पंडित जी, आज वो तस्वीरें हमने देखी कि जब आशीष मिश्रा जो है वो जेल से रिहा हो रहा था, ठीक है, बिल्कुल अनअपोलोजेटिक है, कोई किसी तरीके का माथे पर शिकन नहीं थी, किसी तरीके का यह भाव नहीं था कि हमसे शायद कुछ गलती हुई, या फिर किसी भी तरीके से अगर हमें जोड़ा जा रहा है तो उसको लेकर कोई भी क्लैरिटी देने की भी कोशिश नहीं थी। इन तस्वीरों को देखकर किसान क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश का? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी जब आपके चैनल में बोला देवेंद्र प्रमुख को लखनऊ वाले मामले में डिबेट थे, तो इसको पूर्व में इसके बाद बताया था और कहा था कि जनता के अटमिस्टर शांति करीब था तो मामला चूंकि न्यायालय तक सभी लोगों को संबोधित करना, लेकिन वो उनके पिता चूंकि मंत्री उनको
आश्वस्त है वो पूर्णतः कि सत्ता में राज करके मैंने कहा था कि ये जांच प्रभावित करेंगे और चलिए ठीक है, आवाज में थोड़ा सा समस्या आ रही है अक्षांश जी, माफ कीजिएगा, ऑडियो थोड़ा सा फिक्स करवाना पड़ेगा, ऑडियो आपका क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ बातें जो है वो आधी अधूरी समझ आ रही है, पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है, उसको ठीक करवाएंगे फिर आप पर वापस लौटेंगे। सीधे देवेंद्र प्रमुख साहब के पास चलते हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब, अगर किसी का बेटा आरोपी है और ये इतनी बड़ी घटना है जिसकी जितनी बात की जाए वो कम है, इतनी बड़ी घटना, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वापस लौट रहे थे, तमाम तस्वीरें आई, पीछे से उसी मंत्री के बेटे की गाड़ी किसानों को कुचल देती है, और जब किसानों शब्द का जिक्र करते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी का जिक्र करते हैं, कृषि प्रधान ये देश, यहां पर ज्यादातर लोग जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कृषि पर डिपेंड है, उन किसानों पर आपके मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है जिस पर आरोप है। अब आप ये बताइए कि इसको आप इस तरीके से, जब विपक्ष आपसे कह रहा था कि, और सभी बहुत सारे लोग भी मांग कर रहे थे कि जब तक ये जांच चल रही है, जब तक पूरा मामला 1-to-1 क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप कम से कम अपने जो ये गृह राज्य मंत्री हैं इनको बाहर करिए मंत्री पद से, आपने नहीं किया। आपका तर्क है कि बेटे पर जांच चल रही है, प्रशासन कानून जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप ये समझाइए कि जब आप बेटे की बाप की गलतियों को बेटे पर थोपने का काम करते हैं, अखिलेश यादव को जब भी आप किसी तरीके से सवालों में घेरते हैं तो आप मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तरह तरह की बातें, उनके शासन में ये होता था, ऐसे ऐसे माफिया पलते थे, उन चीज़ों को आप लेकर आते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी के भीतर ही एक व्यक्ति जो है आरोपी है, पूरी तरीके से आरोपी है, जांच में भी बताया गया कि संलिप्त था कहीं ना कहीं, तो ऐसे में उनके जो पिता हैं उसको आप खुद सरकार में बिठाकर रखेंगे तो कहीं ना कहीं जांच तो प्रभावित होती है, ये तो कोई भी बता देगा। कावेंदर चौहान साहब, आपकी बात फिर गहन और बड़े किया है, मैं आपके एंगल से इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। डिबेट्स में मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्यक्ष में चीज क्लियर हो, इसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ती और झूठ और तूफान ज्यादा दिन चलता नहीं। सरकार की मंशा इसी चीज से स्पष्ट होती है कि सरकार जो अपना काम है, सरकार ने ना तो तब इसमें कोई ऐसी पहल करता, कोई ऐसा प्रभाव दिखाया कि गृह मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी रुके, और दूसरी बात यह है कि कानून क्या कर रहा, अदालत उसे कब जवाब देगी, ये पारदर्शिता भी अब क्लियर हो रही है कि पारदर्शिता अगर नहीं होती और सरकार का आक्षेप होता तो ये बेटा 3 महीने या 2 महीने या 1 महीने और रोका जा सकता था, लेकिन सरकार की मंशा साफ है, सरकार स्पष्ट है और अदालत अपना काम कर रही है, किसको जमानत कानून से किस रूप से किसने ली है, और विपक्ष के जो लोग जो धरना की ओट में राजनीति कर रहे थे उनके वकील क्या सो रहे थे, ये जमानत हो कैसे गई, क्यों नहीं अदालत में खड़े हुए जाकर, वो क्यों नहीं ईमानदारी से उन्होंने पक्ष रखा किसानों का, ये गंदी राजनीति और ये कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश को 27-60 वर्षों से पड़ी थी, यही मतलब अपने मंत्री को आप सरकार से अलग नहीं करेंगे, वो आपका करेक्ट स्टैंड है, आप अपने मंत्री को सरकार से अलग नहीं करेंगे, वो आपका करेक्ट स्टैंड है। देखिए, अगर हमारे मंत्री की बात आएगी तो मंत्री छोड़िए, यहाँ तो इतना दम रखते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री तैयार होते हैं छोड़ने के लिए, ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है, 18 करोड़ लोगों की पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और किसी परिवार से नहीं चलता, लोगों की मंशा से चलता है, 22 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस जैसी या सपा बसपा जैसी परिवार की या परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये भावनाओं से नहीं समर्थन से सरकार चलती है यहाँ, और अगर यहाँ कोई दोषी है तो जब बख्शा नहीं जाएगा, सरकार अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करती तो चौहान साहब आप मुझे इसकी डिबेट नहीं करते, ये सरकार की पावर ही तो थी कि एक मंत्री के बेटे का इस चीज में नाम आ गया कि उसने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, इतना वो इतना बलशाली हो गया कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने जैसा कृत्य हो गया। जी अक्षांश जी,
किसानों के बीच में एक घटना और भी हुई थी, किसानों के बीच में हाथ काटे गए, पैर काटे गए, इसलिए आपने गाड़ी चढ़ा दी, इसलिए आपने गाड़ी चढ़ा दी। देवेंद्र जी ठीक है, शांत जी, देवेंद्र जी सुन लीजिए। देखिए एक चीज समझिए, शुरुआत से लेकर के अभी विभिन्न प्रकार से इस मामले को विश्लेषित किया जा चुका था। सत्यता उस पूरे मामले की केवल यही थी कि जांच के दौरान भी इस मामले का पता चल गया कि यह घटनाक्रम की वास्तविकता और क्या थी। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी तरीके जिस चीज को यह समझा जा रहा था कि सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, वो आप सबकी नजरों के सामने है। अजय मिश्रा जी की जो बर्खास्तगी की मांग लगातार की जा रही थी, उसका क्या कारण था, आप सबके सामने है। और आने वाले समय में भी मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जांच को ये पूर्णतया प्रभावित करेंगे, इसलिए इनको आज भी नैतिकता के आधार में स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, उनका ये कहना है कि कोर्ट जो है अपना काम कर रही है, आपको अपने वकील उतारने चाहिए थे, तमाम तरह की चीजें कह रहे हैं। देखिए न्यायालय है, इसलिए न्यायालय का सम्मान सभी को करना है, वो इश्यू नहीं है। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जो पूर्व में भी आशंका व्यक्त की गई, उसके कुछ क्षण कुछ पल आप लोगों के सामने है। आने वाले वक्त में ये जांच को पूर्णतया प्रभावित करेंगे, इनको तो स्वयं नैतिकता के आधार में स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मैं फिर से आपसे बहुत कंफर्म होकर के इस बात को कह रहा हूं कि इसको ना पूर्णतया इस जांच में अगर सत्यता में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, तो पूर्णतया इनको नैतिकता के आधार में, अजय मिश्रा जी मैंने पहले भी कहा था कि इस्तीफा दें, और अगर इनका परिवार नहीं दे रहे मना कर रहे हैं। स्वामीनाथ जी हमारे साथ है। स्वामीनाथ जी ये बताइए कि बिल्कुल देखिए इनका बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे इनका यूपी इलेक्शन में स्पष्ट है कि 80-20 है, ठीक है उसके पीछे कोई भी तर्क हो, वैसे इनका यहाँ भी स्पष्ट है कि बेटे पर ठीक है कानूनी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, जो होना है चल रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पिता पर जो आप सवाल कर रहे हैं, बर्खास्तगी की मांग करें, किसी भी तरीके की मांग करें, वो ठीक नहीं। इनका कहना है कि बेटे पर जो कार्रवाई है वो कानून कर रहा है। देखिए पिता का कोई, पिता जब उस गरिमामय पद पर बैठा है उसी के सह पर बेटा इतना बड़ा कदम उठाता है, तो पिता का दायित्व तो बनता है कि अपने पद की गरिमा और देश की वस्तु स्थिति को देखते हुए अपने इस्तीफा को तो दे दें। जिस वाणी से वही अजय मिश्रा टेनी ने 5 अक्टूबर को पूरे लोगों के बीच में, किसानों के बीच में कहा कि अगर हमारे बेटे को संलग्न इसमें दूर दूर से पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इन लोग का मैं बार बार कह रहा हूँ, कथनी करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा जिस तरह से जात पात धर्म मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान और जिस तरह से अब नकाब भुरका और क्या क्या चीज को रोक, क्या क्या यानी भेदभाव धर्म को बांटने तोड़ने और जिस तरह से अपराध को इन लोग बढ़ावा देने के लिए खुद पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। और नेताओं की कथनी करने में कभी संबंध रहा ही नहीं, कांग्रेस का भी कोई संबंध नहीं रहा इससे, ठीक है आप उसको छोड़िए। मैं बता कांग्रेस का तो बताया आपको चौहान जी, देखिए मैं कांग्रेस का बताया कि 26/11 का जो घटना था वहां पर महाराष्ट्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने उनके साथ घटनास्थल पर उनका बेटा पहुंच गया देखने के लिए कि क्या घटना घटा है, तो उस पे तत्कालीन विपक्ष ने आवाज उठाया कि यहाँ राम गोपाल वर्मा फिल्म डायरेक्टर और उनका बेटा हीरो गया है, कहीं इसको फिल्म न बना दे, स्क्रिप्ट न बना दे, तो जांच यहाँ नहीं जाना चाहिए अन्य लोगों को, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और यहाँ तो गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी है, और उन्होंने कहा था अपने वाणी से, अपने मुख से, अपने हिंदुत्व से, अपने भाजपा के मुखौटे से कि अगर हम, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, लास्ट चेक लेते हैं देवेंद्र साहब का, देवेंद्र साहब का लास्ट चेक ले लेते हैं, ठीक है बिल्कुल लास्ट चेक ले लेते हैं देवेंद्र साहब का। देवेंद्र साहब मैं बस इतना जानना चाहता था, बस इतना सा आपका टेक वर्जन चाहिए था
कि आशीष मिश्रा की आज जो रिहाई हुई है उसकी तस्वीरें किसान देख रहे हैं, वो तो आग बबूला है, परेशान है, लेकिन आप आज भी यही बात कह रहे हैं कि अगर ये घटनाक्रम बार बार उठेगा, 10 दिन बाद उठे, 2 महीने बाद उठे, 6 महीने बाद उठे, जब भी इसकी बात हो, लेकिन आप अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगेंगे, ये आपका आज स्टैंड क्लियर है? नहीं, मैं एक चीज और क्लियर करूं कि ये आज वो किसान और हमारे वो भाई जिनके साथ ये घटना घटी, ये घटना जिस तरीके की थी। चलिए ठीक है, आपका वीडियो जो है वो कट गया। चलिए ठीक है, वीडियो जो था यहाँ पर कट गया था, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी। तो हालांकि आज बस इतनी सी चर्चा थी, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बीजेपी कभी भी इस चीज को समझ सकेगी कि किसान किस कदर इस घटना से आहत है। और इसके बाद लगातार उनकी ये मांग है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है और उसका पिता अगर सरकार में है तो कहीं ना कहीं उसके पिता को पहले सरकार से अलग करना होगा, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। और इस चीज को आज भी ना समझ पाना एक भूल हो सकती है, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में 5 चरण बाकी हैं, और कल जब सुबह का अखबार खुलेगा तो उस अखबार का जो पहला पन्ना चीख चीख कर इस बात को रखेगा कि लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद रिहाय कर दिया गया है। तो यह कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा हद तक परेशान कर सकता है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।